केंद्र सरकार ने रिलीफ पैकेज के नाम पर लोन पैकेज घोषित किया है, जिससे कि जनता की आमदनी पर जो चोट पहुंची है उससे उबरने के लिए जनता कर्जा लेकर के अपने आप को उबारने का प्रयास करे। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी यही घोषणाएं की गई है कि वो जितना उनका आउटस्टैंडिंग लोन है उसका 20% लोन और ले सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है, उनके लिए हाउसिंग स्कीम को एक्सपेंशन दिया गया है और इसके इतर किसानों को लेकर या किसी और वर्ग को लेकर जितनी भी घोषणाएं हैं वो सब बजटीय घोषणाएं हैं जिनको विस्तारित करके समझाया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़ों के मायाजाल में फंसा करके जनता को राहत के नाम पर छला जा रहा है और ये सारी बातें जितनी भी वित्त मंत्री ने 3 दिवस में कही है इनमें कहीं भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि गरीब जनता, मध्यम वर्गीय और जो ये मजदूर वर्ग है इसको किसी प्रकार की राहत मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ खाना मिल जाए इससे ये पर्याप्त नहीं होता, उनकी और भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। पैसा जब तक जनता की जेब में नहीं जाएगा, जब तक कर्जदार को उस बेल आउट नहीं किया जाएगा, जब तक जनता की आमदनी नहीं बढ़ाई जाएगी ना तो डिमांड बढ़ सकती है ना इकॉनमी रिवाइव हो सकती है। बेहद दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इतनी बड़ी आपदा में भी किसी प्रकार की कोई राहत न देकर अपनी असंवेदनशीलता को फिर से एक बार उजागर किया है।